हे गाइस, दिस इज अपेक्षा और आज मैं आपको सीटीएम के बारे में बताने जा रही हूँ। सीटीएम, क्लिंजिंग टोनर मॉइस्चराइजर। क्लिंजिंग टोनर मॉइस्चराइजर का प्रयोग हम डेली बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेस पे करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्लिंजिंग क्या करता है हमारी स्किन पे, टोनर क्या करता है और मॉइस्चराइजर क्या होता है। टू क्लीन योर स्किन, डर्ट रिमूव, डीपली क्लीन, हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है और स्किन में जो भी डर्ट होती है उसको रिमूव करता है। एंड सेकेंड आता है हमारा टोनिंग, टोनर हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। थर्ड है हमारा मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को नमी प्रदान करता है, यानी कि पोस्चर देता है, यानी कि मॉइस्चर बनाता है स्किन को। पार्लर में अब मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। देखिए पार्लर वीडियो बनाने के लिए मैंने ये कुछ प्रोडक्ट्स निकाल रखे अपने। ये मॉइस्चराइजर है, इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। ये क्लेंजिंग मिल्क है एंड ये टोनर है। इस तीनों का शॉर्ट फॉर्म है सीटीएम। और मेकअप से पहले कभी भी हम सीटीएम करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है मेकअप हमारा। लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सीटीएम, सीटीएम से यूज इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। ये है हमारा सी, सी फॉर क्लेंजिंग मिल्क। क्लिजिंग मिल्क हमारी स्किन में डीप क्लीनिंग करता है। आप थोड़ा सा कॉटन में लेंगे और फेस पे क्लीन करेंगे तो आप हमारी स्किन में डीप क्लीनिंग करता है और डर्ट जो होती है वो रिमूव कर देता है। तो हमेशा डेली बेस पे आपको क्लिंजिंग करनी है तो करनी है। एंड नंबर टू है हमारा टोनर, टी फॉर टोनर। टोनर हमारे पीएच लेवल को बैलेंस करता है एंड हमारे पोर्स जो होते हैं स्किन में, पोर्स ओपन हो जाते हैं वो मिनिमाइज करता है। तो हमारे डेली रूटीन में आपको टोनर का भी यूज़ करना चाहिए। एंड थर्ड हमारा आता है एम, एम फॉर मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हमारे स्किन में नमी प्रदान करता है, मॉइस्चर देता है और विंटर्स के टाइम पे मॉइस्चराइजर तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सी टी एम, तो क्लिंजिंग टोनर एंड मॉइस्चराइजर का यूज़ डेली बेस पे कर सकते। सी टी एम, क्लिंजिंग टोनर एंड मॉइस्चराइजर को हम डेली बेस पे यूज़ करेंगे और मेकअप से पहले तो ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपका मेकअप 8 से 10 घंटे कहीं नहीं जाने वाला। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कभी भी हम सी टी एम करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है मेकअप हमारा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। इसलिए मेकअप से पहले आपको सी टी एम करना बहुत ज़रूरी होता है। मेकअप करेंगे अगर आप तो सी टी एम ज़रूर करिएगा। और सी टी एम को हम डेली बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सी टी एम हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, डेली बेस पे हम यूज़ कर सकते हैं सी टी एम। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ करिए। थैंक यू।